हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं मोहिनी पचौरी आपका अपने चैनल राधा मोहिनी की रसोई में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम झारखंड की फेमस टुस्का रेसिपी बनाने वाले हैं। ये वहाँ की ट्रेडिशनल रेसिपी है। ये वहाँ पर गली नुक्कड़ हर जगह पे ठेल पे मिल जाती है और इसको वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। आज हम टुस्का बना रहे थे तो हमने सोचा क्यों ना इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर ली जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए बनाना शुरू करते हैं टुस्का। टुस्का बनाने के लिए हम एक कप चावल ले लेते हैं। ये चावल आप कोई भी ले सकते हैं। ये हमने खिचड़ी वाले चावल लिए हैं। आधा कप चना दाल लेंगे। चना दाल का भी आधा यानी कि चौथाई कप हम उड़द दाल लेंगे। हमें जितना चावल चाहिए उससे आधा हमें चने की दाल चाहिए। चने की दाल ली है उससे हमें आधा उड़द की दाल ली है। अब हम इन सबको अच्छे से धो लेते हैं। दाल को हमने बहुत अच्छे से धो लिया है। अब इसमें हम पानी डाल के रख देते हैं फूलने के लिए। तो इसमें हमने पानी डाल दिया है। तो ये हम सुबह बनाएंगे ब्रेकफास्ट में। तो ये हम रात में भिगो रहे हैं जिससे कि दाल चावल अच्छे से फूल सके। तो इसको हम ढक के रख देते हैं। देखिए दाल चावल हमारे अच्छे से भीग चुके हैं और ये फूल गए हैं। इनको 6-7 घंटे हो गए क्योंकि हमने रात को भिगोए थे। अब हम इसको सुबह पीस रहे हैं। तो पहले हम इस दाल चावल का अच्छे से पानी निकाल लेंगे। किसी भी चलनी में कैसे भी आप इस दाल चावल का पानी निकाल लीजिए। चलनी में देखिए दाल चावल का पानी निकाल लिया है। मिक्सी जार लेंगे और इसमें हम डाल देंगे दाल चावल को। एक बार में जितने आ जाएं उतने हम डालेंगे। दाल चावल ज़्यादा हैं तो हम इसमें दो बार में पीसेंगे तो आधे ही डालेंगे। हमने इसमें 3-4 हरी मिर्चें ले ली हैं और ये अदरक ले लिए। अब हम इसको भी डाल देते हैं। यदि आप चाहें तो इसमें लहसुन भी डाल सकते हैं लेकिन हम लहसुन नहीं डाल रहे हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक बारीक पेस्ट बना देते हैं। देखिए बैटर को हमने पीस लिया है तो इसको हम एक बाउल में डाल देते हैं। जो भी आप बर्तन लें तो थोड़ा सा बड़ा ही बर्तन लें क्योंकि ये बाद में फूलता है तो इसलिए बड़ा ही बर्तन लें। इसको ट्रांसफ़र करने के लिए तो हमने इसमें ट्रांसफ़र कर लिया है। अब बाकी के बचे हुए भी दाल चावलों को हम इसमें डाल देते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं जिससे कि अच्छे से पिस जाए। इसको भी हम ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेते हैं। तो देखिए ये वाला बैच भी पिस गया है तो इसको भी हम इसमें ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और देखिए हमारा बैटर इतना ही गाढ़ा होना चाहिए। चाहें तो थोड़ा सा आप मिक्सी ग्राइंडर को धोकर भी इसमें डाल सकते हैं हल्का सा, लेकिन ये बैटर इतना ही गाढ़ा हमें चाहिए। तो देखिए एकदम परफेक्ट है ये। और इसको हम ढक के रख देते हैं 2-3 घंटे के लिए जिससे कि अच्छे से फर्मेंटेशन हो जाए। डुस्के के साथ खाने के लिए हम बना लेते हैं चने आलू की सब्जी। इसके लिए हम डाल देते हैं कढ़ाई में 1 बड़ा चमचा सरसों का तेल। कि सरसों के तेल में ही सब्जी ज़्यादा अच्छी बनती है। आप जो भी कुकिंग ऑयल खाना पसंद करते हो आप वो डाल सकते हैं। तेल को हम अच्छे से गर्म होने देते हैं। तेल हमारा बहुत अच्छे से गर्म हो गया है तो इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच जीरा। अब इसमें डालेंगे हम कुछ खड़े गरम मसाले। तो इसमें हमने लौंग ले लिए, काली मिर्च ले ली है, बड़ी इलायची ले ली है और दालचीनी के 2 टुकड़े ले लिए और 2 तेज पत्ते ले लिए। अब इनको भी हम इसमें डाल देते हैं। इनको अच्छे से भुनने देते हैं।
मसाले हमारे भुन गए हैं, तब हम इसमें डाल देंगे कटा हुआ लहसुन, जो हमने 15 से 20 कलियां ले ली है, जिनको हमने बारीक बारीक काट लिया है। इसको भी हम भून लेते हैं। लहसुन हमारा गोल्डन ब्राउन भुन चुका है, तब हम इसमें डालेंगे ये दो बारीक कटी हुई प्याज। प्याज को भी गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेते हैं। प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन भुन चुकी है, तब हम इसमें डालेंगे 3-4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और अदरक का टुकड़ा, जिसको हमने बारीक ग्रेट कर लिया। हरी मिर्च कम ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अदरक मिर्च को भी हम 1 मिनट के लिए भून लेते हैं। अदरक मिर्च भी हमारी भुन चुकी है, तब हम इसमें डालेंगे कुछ बेसिक मसाले। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर या फिर टेस्ट टू अकॉर्डिंग, 1 चम्मच नमक डालेंगे या फिर टेस्ट टू अकॉर्डिंग। मसाले को भी हम 2 मिनट इस तरह से भून लेते हैं। मसाले हमारे अच्छे से भुन चुके हैं, जिसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, तब हम इसमें डाल देते हैं टमाटर। तो हमने 3-4 टमाटर ले लिए हैं, जिनको हमने बारीक काट लिया है। टमाटर को भी सॉफ्ट होने तक भून लेते हैं। टमाटर हमारे बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, देखिए। और मसाले से तेल भी रिलीज हो गया है, तो इसमें हम डाल दे रहे हैं ये आलू फोड़ के, क्योंकि चने आलू की सब्जी है। चनों को हमने रात को ही भिगो दिया था और इनको सुबह उबाल लिया, तो आलू को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब हम इसमें डालेंगे बॉईल किए हुए चने, तो हम चनों को डाल देते हैं और इनको भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। जिस पानी में हमने चने उबाले थे वो पानी में हमने डाल दिया है, अब इसमें गर्म पानी और डाल देते हैं। सब्जी आपको जैसे भी गाढ़ी पतली पसंद करते हो उस हिसाब से आप पानी डाल सकते हो। तो ये हमने गर्म पानी डाल दिया है और इसको ढक के खोलने देते हैं। सब्जी को खोल के देख लेते हैं। सब्जी में बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और कलर भी सब्जी का बहुत ही गजब का आया है। तब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, ये घर का होममेड गरम मसाला है। अब इसमें डालेंगे कसूरी मेथी, तो हाथ से क्रश करते हुए कसूरी मेथी डालेंगे, इससे सब्जी का टेस्ट और खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। तो ये लीजिए, सब्जी बनके हमारी तैयार हो गई है। देखिए इधर हमारा डुस्के का बैटर भी हम फूल गया अच्छे से, तो इसमें हम कुछ मसाले डाल देते हैं। तो इसमें हम डाल देते हैं 1 पिंच हींग। हींग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हम कम डाल रहे हैं। इससे डुस्के का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। 1 चम्मच हम धनिया पाउडर डाल देते हैं, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देते हैं और स्वाद अनुसार हम नमक डालेंगे, तो 1 चम्मच हम नमक डाल रहे हैं। हमने इसमें हरी मिर्च भी डाली है, तो मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब इन सभी मसाले को हम अच्छे से चला लेते हैं। ये बैटर हमारा बहुत अच्छे से फूल गया है, तो देखिए डुस्के बनाने के लिए तैयार है। कढ़ाई में हमने तेल गरम होने के लिए रख दिया है। तेल हमारा अच्छे से गरम हो गया है, तो पहले हम 1 डुस्का डालेंगे। और इसको पहले अच्छे से फूलने देंगे, उसके बाद ही हम दूसरा डालेंगे, नहीं तो क्या होगा, चिपक जाएगा एक साथ डालेंगे। तो पहले हम एक ही को डाल के देखते हैं।
जब ये सिक जाएगा तो अपने आप अलग हो जाएगा। देखिए अलग हो गया, तो इसको हम पलट देते हैं। देखिए कैसा गुब्बारे की तरह फूला फूला हमारा डुस्का आया है। अब साइड से हम दूसरा डुस्का भी डाल देते हैं, इसको भी फूल ले लेते हैं। देखिए ये भी कैसे गुब्बारे की तरह फूल गया है, इसको भी हम पलट देते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। और देखिए पहला वाला ये सिक गया है, तो इसको हम निकाल लेते हैं प्लेट में। देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका। अब साइड से हम एक और डाल देते हैं, ये वाला सिक गया है तो इसको हम निकाल लेते हैं और इस वाले को पलट देते हैं। साइड से एक और डाल देते हैं इसी तरह से, इसी तरह से इसको भी सेक लेते हैं। ये वाला सिक गया है तो इसको भी हम निकाल लेते हैं। और इसको हम पलट देते हैं, इसको सेट करके एक और डाल देते हैं। इसको फिर इसी तरह से तेल डाल देते हैं, इसको हम पलट देते हैं। और देखिए ये वाला दोनों तरफ से अच्छे से सिक गया है, तो इसको भी हम निकाल लेते हैं। देखिए कितने अच्छे हमारे फूले फूले डुस्के बने हैं। इसी तरह से हम बाकी के सभी डुस्कों को बना लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, झारखंड के ट्रेडिशनल डिश बनके तैयार हो गई है। देखिए कितने बैलून की तरह फूले फूले डुस्के बने हैं और एकदम से जालीदार ये डुस्के बने हैं और एकदम से नरम मुलायम बनके तैयार हो गए हैं। हम इसको तोड़ कर दिखाते हैं कि अंदर से कितने सॉफ्ट और एकदम स्पंजी बने हैं। डुस्के को हम टमाटर आलू की सब्ज़ी के साथ, चने आलू की सब्ज़ी के साथ या फिर चटनी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। ये काफ़ी टेस्टी लगते हैं। तो फ्रेंड्स एक बार आप भी बनाकर देखिएगा इस तरह से डुस्के और बताइएगा कि हमारे बनाए हुए डुस्के आपको कैसे लगे। एक बार आप भी बनाकर देखिएगा इस ट्रिक से और बताइएगा कि हमारा बनाई हुई रेसिपी आपको कैसी लगती है। तो फिर से मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक लिए टेक केयर, बाय बाय।